जमात इस्लामी अपने मंशूर, अपने नैरेटिव और अपनी खिदमत के पूरे जज्बों के साथ अवाम के पास जा रही है। हम कौम को वाज़े तौर पे बताना चाहते हैं कि जो लोग गुज़श्ता 75 साल से हुक्मरान रहे हैं या जो पार्टियां तीन तीन चार चार दफ़ा इक्तदार में आ चुकी हैं या जो पार्टियां 16 महीने पीडीएम के नाम पे कौम की गर्दनों पे मुसल्लत रही हैं, क्या इसके बाद भी कोई इम्कान है कि ये कौम को कुछ रिलीफ दे सकेंगे? क्या इसके बाद भी कोई बंदा ये कह सकता है कि ये पार्टियां आकर के पाकिस्तान के हालात को ठीक कर सकेंगी? करप्शन इनकी वजह से, लूटमार इनकी वजह से, महंगाई और बेरोज़गारी इनकी वजह से, हर पाकिस्तानी डिप्रेशन का मरीज़ इनकी वजह से। तो ये तो पाकिस्तान के मसाइल का सलूशन नहीं है, ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। जमात इस्लामी कौम से ये कह रही है कि अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनको अमन देना चाहते हैं, खुशहाली देना चाहते हैं, तालीम और सेहत देना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं, और पाकिस्तान को अगर आलमी बैंकों और आईएमएफ की गुलामी से निजात कर दिलाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता है, 8 फरवरी को घरों से निकलिए, पोलिंग स्टेशन पर पहुँचिए और वोट जमात इस्लामी और तराजू को दीजिए।